मेवात जिले में झुग्गी झोंपड़ियों में मजदूरों और जरूरतमंद गरीबों को दो वक्त का भोजन उपलब्ध कराने के लिए मेवात आरटीआई मंच की पहल को देश स्तर पर सराहना मिली है। बृहस्पतिवार को भी संगठन की तरफ से नगीना के बड़कली चौक स्थित झुग्गी झोंपड़ियों में गरीबों को तकरीबन 15 किलो चावल, आटा, चीनी, चाय पत्ती, लाल मिर्च इत्यादि सामग्री दी गई। इसके अतिरिक्त नगीना में मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन सामुदायिक आवास भवन पर भी सूखा राशन वितरित किया गया। आपको बता दें कि आरटीआई मंच के साथ मिलकर कुछ संस्थाएं गरीब और जरूरतमंदों को पका हुआ भोजन बांटा गया है। तो वहीं लॉकडाउन से गरीब परिवार परेशान हो रहे हैं, मजदूरों को आवश्यकता अनुसार खाद्य सामग्री घरों में ही पहुंचाई जा रही है। आपको बता दें कि इस वक्त लोग अपने घरों में ही रहें, उन्हें घरों में ही खाद्य सामग्री पहुंचाई जाएगी। फिलहाल बड़कली चौक की झुग्गी झोंपड़ियों में सुबह और शाम का पका भोजन दिया जा रहा है। इस सप्ताह के लिए खाद्य सामग्री सूखी भी बांटी जा रही है ताकि वह अपनी मनपसंद का खाना अपने घरों में ही पका लें और घरों से बाहर ना निकलें। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार के दिशा निर्देश पर मेवात आरटीआई मंच निर्माणाधीन भवनों पर कार्य कर रहे गरीब और झुग्गी झोंपड़ियों में बसने वाले जरूरतमंद लोगों के लिए निरंतर यह संस्था प्रयास में जुटी है। आप देख रहे हैं लियाकत अली पत्रकार की रिपोर्ट। मेरा नाम राजुद्दीन है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। बड़कली चौक और नगीना क्षेत्र के गरीब और ज़रूरतमंदों के लिए दो वक्त का राशन भोजन मुहैया कराने के लिए लॉकडाउन से ही हमारा अभियान चल रहा है और मेवात आरटीआई मंच बखूबी इस अभियान में कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दे रही है। तथा जिला अस्पताल अलाफिया मांडीखेड़ा में जितने भी भर्ती मरीज हैं जिनके टेस्ट हो रहे हैं उन सभी को भी मेवात आरटीआई मंच हमारे सहयोग से खाना उपलब्ध करा रही है। और हमारी जितने एक दर्जन के करीब साथी हैं सब हमारी मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और हमारा पैगाम ये है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा हम दो वक्त का भोजन ज़रूर इन ज़रूरतमंद गरीबों को देंगे। मेरी एक अपील देशवासियों से, मेवातवासियों से है कि वो अपने घरों में रहें, मास्क लगाएं या अपने चेहरे पर साफी या अन्य कोई भी वस्त्र लगाकर इस बीमारी से छुटकारा पाने की मुहिम में सहयोग करें। दूसरा, जिला प्रशासन की तरफ से हमें पूरा सहयोग मिल रहा है।